काजी टीवी में खुश आमदीद। आज तक अब सब ने फिल्मों और ड्रामों में तो बहुत सारी खौफनाक कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा हकीकी वाकया बताने लगा हूं, जो खुद मेरे और मेरे गांव वालों के साथ हो चुका है। आज से 2 साल पहले मैं रोज अपने गांव से शहर नौकरी करने के लिए जाता था। रोज रात 8 बजे तक वापसी होती थी। शहर से गाँव का रास्ता तवील और वीरान था। इसी रास्ते में एक पुरानी वाटर सप्लाई आती थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्नात का साया था। एक रात मामूल से ज्यादा देर हो गई। जैसे ही वाटर सप्लाई के नजदीक से मैं गुजरा, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। कुछ देर तक जब भारी कदमों की आवाज आने लगी, तब मैं बहुत डर गया। हल्की सी गर्दन मोड़ कर देखी, अंधेरे के बाइस कुछ नजर ना आया। अचानक मुझे किसी चीज ने आवाज दी कि मेरी कब्र में एक मुजस्मा है, इसे बाहर निकाल दो, मेरी मदद करो। ये सुनकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने ये सारा वाकया अपने घर वालों को बताया। सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए, मैं भी बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन काम के लिए तो मुझे जाना ही था। मैंने काम से जल्दी मगरिब से पहले ही घर आना शुरू कर दिया था। कुछ दिन गुजरे तो हमारे गाँव का एक बंदा रात देर से शहर से वापस आ रहा था। वो साइकिल पर आ रहा था। रास्ते में इसे एक आदमी ने रोका और कहा कि मुझे भी साइकिल पर बिठा लो, मेरा घर थोड़ा सा ही आगे है, तुम मुझे वहां छोड़ देना। ये सुनकर इस बंदे ने आदमी को भी अपने साथ बिठा लिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी तो इस बंदे को महसूस होने लगा कि जैसे वो आदमी बैठा ही नहीं है। इसको साइकिल हल्की लगने लगी। ये देखने के लिए कि वो आदमी बैठा है या नहीं, इस बंदे ने इस आदमी से साइकिल चलाते हुए कहा कि तुम रहते कहां हो। आदमी ने आगे से कहा कि वाटर सप्लायर के पास ही मेरा घर है। इस बंदे ने कहा कि वहां तो कोई घर नहीं है। आदमी ने जवाब दिया कि वहां पास ही मेरी कब्र है, मेरी मदद करो और इस कब्र में दफन एक मुजस्मा बाहर निकाल दो। ये सुनकर इस बंदे ने फौरन पीछे की तरफ देखा, लेकिन पीछे वो आदमी ना था। वो बंदा बहुत डर गया और फौरन तेज तेज साइकिल चलाकर अपने घर पहुंच गया। रात के 10 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और आकर सब जो हुआ था इस आदमी ने हमें बताया। वाटर सप्लायर के पास सिर्फ एक ही कब्र थी, जो तकरीबन 30-40 साल पुरानी थी। ये सारी बात जब गांव वालों ने सुनी तो सबकी यही राय थी कि इस कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि क्या ये बात सच है। इस वक्त तो बहुत रात होगी थी, तो यही फैसला किया गया था कि अगले दिन सुबह को वो कब्र खोदी जाएगी। अगले दिन हम सुबह ही इस कब्र के पास पहुंच गए और जैसे ही वो कब्र खोदी तो अंदर जो था उसने सबको हैरान कर दिया। अंदर गुड़िया की तरह का एक मुजस्मा था जिसमें कीलें लगी हुई थी। ये मंजर देखकर सब बहुत डर गए और फिर हमने इस मुजस्मे से कीलें निकालकर इस मुजस्मे को जला दिया। कब्र को दोबारा से बंद कर दिया गया। इस सब के बाद आज तक हमें वाटर सप्लायर से गुजरते कभी कोई मसला नहीं हुआ। अगर आप में से भी कभी किसी के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ हुए वाकया को हमारी अगली वीडियो में शामिल करूंगा। वीडियो को लाइक और काजी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।